पटना के गोविंद मित्तल रोड में शराबबंदी के पक्ष में एक प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक आदमी शराब पी के फुल है यानी कि पड़ा हुआ है, और दूसरी ओर एक गोलगप्पे की दुकान बताई गई है कि जिससे कि महिलाएं गोलगप्पा खाते हुए दिखाई गई। इसका मकसद ये है इस तस्वीरों को दिखाने का कि जो लोग दारू पी के पड़े हो जाते हैं, दारू पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो एक तरफ एक छोटा सा एक अदना सा एक गरीब सा इंसान है जो कि गोलगप्पा बेचकर अपनी मेहनताना कर रहा है और कम अपनी कमाई कर रहा है, तो दूसरी ओर महिलाएं को खुश बच्चों के साथ दिखाया गया, क्योंकि शराबबंदी लागू होने के बाद जाहिर तौर पर एक घर में खुशियाँ आई हैं, कुछ मुनाफे में भी इजाफा है। इस प्रदर्शनी के जरिए कुल मिलाकर कहा जाए तो नीतीश कुमार के विज़न को एक तरह से दिखाया गया कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और शराब अगर आप पीजिएगा तो इसी तरह जिस तरह से ये शख्स पड़ा हुआ है ज़मीन पे, उसी तरह ज़िंदगी भी पड़ जाती है, मतलब ज़िंदगी हताश हो जाती है, निराश हो जाती है, शराब पीने वाले की ज़िंदगी एकदम नरक जैसी होती है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक तरह से यही दिखाया गया है कि आप शराब मत पीजिए और शराब मुक्त बिहार बनाने में सबकी मदद कीजिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने जाते हैं कि इस प्रदर्शनी को देखकर उन्हें कैसा लग रहा है। सर, आप यहाँ पे काफ़ी देर से यहाँ रुक के इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, क्या कुछ खास लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, खास लग रहा है, यहाँ इस बिहार में जो शराबबंदी हुआ है उसी के ऊपर दिखलाया गया है कि कैसे झोपड़ी में रहने वाले लोग जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है और वो शराब पी करके इधर उधर भटके रहते हैं, उनके बाल बच्चे रोते भी लगते रहते हैं और वो शराब के नशे में अपना चूर रहते हैं, और उनको मैंने जैसे तैसे। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी के पे ये प्रदर्शन जो लगाई है काफ़ी कुछ अच्छा है और आकर्षक। हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं जो कि काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। सर, आपको क्या आकर्षक लगा इस प्रदर्शनी में? ये प्रदर्शन रहा है कि इससे शराबबंदी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पड़ता है, इससे होता है कि शराबबंदी अच्छा रहे, ठीक है। चलिए, इनका भी कहना है कि शराबबंदी का जो प्रदर्शनी लगाया गया उनको खासा आकर्षित कर रहा है। कैमरामैन शंकर के साथ दिवांशु, इंडिया अपडेट, पटना।